के 0 माइल से 250 किलोमीटर की दूरी पर गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले धाबे पौनी, तोड़का, किशोरी आदि गांव में सैकड़ों आदिवासी रहते हैं। इस गांव के आदिवासी कड़ी मेहनत करते हुए जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। आज भी यहाँ के आदिवासी लोगों को एक पुलिस प्रशासन छोड़ दिया जाए तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की ओर से कोई भी मजबूत मदद नहीं मिल रही है। आज भी कई आदिवासी लोग सरकारी सेवा से वंचित हैं, इसलिए दिवाली का त्यौहार आदिवासी नहीं मना रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर के माउली मित्र मंडल के अध्यक्ष सुहास खरे और मंडल के दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों के गांव में जाकर उन्हें भेंट वस्तु दी तथा दीपावली के दीप जलाकर आदिवासी लोगों के साथ मिलकर दीपावली मनाई। इस मौके पर सैकड़ों आदिवासी खूब खुश नजर आए। पेश है गोंदिया जिले के गाँव से हमारे संवाददाता संजय मीरे इनकी स्पेशल रिपोर्ट। जोत से जोत लगाते चा, प्रेम की गंगा बहाते चा में। भारत यह संस्कृति प्रधान देश है। इस देश में हर धर्म मजहब के त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जैसे कि दीपावली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, लेकिन इस देश के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं, जंगल है, जहाँ पर आदिवासी लोग बड़ी संख्याओं में रहते हैं। शहरों से अनजान आदिवासी शायद ही कोई त्योहार मनाते होंगे। दीपावली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो अंधेरा दूर करते हुए दीप जलाकर उजाला होता है। सही दीपावली तो उसी को कहते हैं जो एक दूसरे को मिलकर दीप जलाकर उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। खुद की खुशी के लिए तो शहर में कई लोग और संस्थाएं हैं, लेकिन नागपुर शहर में एक ऐसी भी संस्था है जो हर वर्ष दीपावली में उनके घर जाकर दीप जलाकर वस्तुएं भेंट देकर उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नागपुर के माउली मित्र मंडल की, जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकल पड़े हैं गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले धाबे पौनी, तिमोड़ा, केशोरी, अम्बोरी आदि गाँव में बसे आदिवासी नागरिकों को दीपावली की खुशियाँ देने के लिए। पूरे भारतवर्ष में दीपावली बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसी श्रृंखला में नागपुर के माउली संस्था मित्र मंडल की, ये माउली मित्र मंडल की संस्था ये रुक कर रही है गोंदिया के अंतर्गत आने वाले थड़ी पौनी और केशोरी गांव में, जहां पे आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। उनके साथ दिवाली किस प्रकार से मनाई जाएंगी, आइए हम सीधा आपको बताते हैं। आइए हमारे साथ, आप देख सकते हैं कि ये पूरे गाड़ी के अंदर में तकरीबन पूरे सदस्य लगभग मौजूद है और ये तमाम लोग उन आदिवासियों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आखिर क्या करना चाहते हैं, हम आपको पल पल की जानकारी देंगे इन बीसीएन के तमाम हमारे दर्शकों को। आइए हमारे साथ, अब हम सीधा रुक करने जा रहे हैं गोंदिया में। आइए, ठंड का मौसम शुरू होने से मौसम काफी खुशमिजाज था। ऐसे में बस में सवार माउली मित्र मंडल के अध्यक्ष सुहास खरे और उनके बस में सवार तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी काफी खुश नजर आए। नागपुर के 0 माइल से 250 किलोमीटर के अंतर पर आने वाले गोंदिया जिले के जंगल से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जंगल के पेड़ पीछे जा रहे थे। इतना ही नहीं तो सफर के दौरान यहाँ की कुछ सड़कें भी काफी दिक्कतों वाली देखी गयी। दर्शकों, धाबे पौनी के बाद अब हम किशोरी गांव में क्या रुक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही कच्ची पक्की सड़कें हैं जहां पे अक्सर लोग यहां से आवागमन करते हैं और आदिवासी खासतौर पे इसी सड़क से आना जाना करते हैं। अब हम आपको सीधा लेके चल रहे हैं किशोरी गांव में और वहां बताएंगे कि माउली मित्र मंडल की ओर से किस प्रकार से दीपावली मनाने के लिए पूरी तरह से ये लोग यहाँ पे रुक कर रहे हैं। जैसे ही आदिवासियों के बीच पहुँचते ही माउली मित्र ग्रुप की ओर से सभी भेंट वस्तु आदिवासी लोगों को दी गई और दीप जलाए गए, जिससे आदिवासी काफी खुश नजर आए। गांव में पहुंचते ही गांव की महिलाओं की ओर से बढ़कर एक रंगीन रंगोली निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। जिन महिलाओं ने अच्छी रंगोली निकाली उनका सम्मान भी किया गया। इस मौके पर गांव की एक लड़की ने सत्यम शिवम सुंदरम गीत गाकर कार्यक्रम का समा बांधा। ईश्वर सत्य है, जीवन जो
आदिवासी लोगों को दीपावली के उपलक्ष्य में बांटे गए उपहारों से जहां गांव के आदिवासी खुश नजर आए, तो वहीं नागपुर के माओली मित्र ग्रुप भी काफी खुश नजर आए। इस मौके पर माओली मित्र ग्रुप के अध्यक्ष सुहास खरे और ग्रुप के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। हर कोई दीपावली में अपने घर की रोशनी करता है, अपने घर में दिया जला के अपने घर को उजाले से सराबोर करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शहर की संस्था है जो दूसरों के घरों में जाके उनके घरों का अंधेरा अपने दिया जला कर उसे प्रकाशमान करते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शहर के माओली मित्र मंडल की ओर से, जो हाल ही में गोंदिया जिला के अंतर्गत आने वाले किशोरी, अंबोरी और तमाम ऐसे गाँव में जाके उन लोगों ने वहाँ के आदिवासियों से मिलकर, उनके बच्चों से मिलकर दीप जलाए और खुशी का इजहार किया। इस समय में वे तमाम लोग इस समय मौजूद है। आइए सीधा रुक करते हैं, उन्हीं से वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम रुक करना चाहेंगे मित्रमंडल, माउली मित्र मंडल जो नागपुर से आए हुए, उनके जो सर्वे सर्वा जो है सुभाष खरे, इस समय हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। खरे जी, ये बताए कि जिस तरह से ये जो कामकाज किया गया, कितने वर्षों से ये चल रहा है? करीबन ये 6 सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। पहले बोंडे कैंप में हम लोग हमेशा आते थे और मैसूली और ऐसे 13 गांव में हमने पूरा काम किया हुआ है। अभी हमारे जो अधिकारी है यहाँ के किशोरी पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है, उनके माध्यम से हम लोग यहाँ आए और आज का कार्यक्रम हमने संपन्न किया। उसमें हम लोग साड़ियाँ बांटते हैं लोगों को, दिवाली का फराल बांटते हैं और दूसरों को खुशियाँ देखने में हमें आनंद होता है। ये काम हम गए 6 सालों से कर रहे हैं और आगे भी करने की हमारी सोच है। इस प्रकार का इनका ये कहना है, इनका ये मानना है। अब हम रुक करना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ में शहर के ज्येष्ठ कवि पांडे जी हमारे साथ में। पांडे साहब, कवि के आप कवि हो, दो पंक्तियों के बीच क्या कहना चाहेंगे पंक्तियों के? ये जो मौसम है, यहाँ की जो कुदरती देन है, उसके ऊपर से एक कविता मैंने काफी समय पहले लिखी थी कि कुदरत सब संतुलित कर देती है। आप गांडे साहब क्या कहना चाहते? यह जो उपक्रम है, ये सही मायने में एक इंसान को इंसान के साथ जोड़ने का उपक्रम है। माउली मित्र मंडल यह किसी की वेदना दूर करने के लिए हरदम प्रयासरत रहता है, वो ग्रामीण में कितना भी इंटीरियर क्यों ना हो, क्योंकि आदिवासी जो है, आदिवासी क्षेत्र में सही में आदिवासी को आज जो परिस्थिति के हिसाब से उनको मदद की आवश्यकता है। तो आज ये जो माउली मित्र मंडल है जाकर उनकी हौसला अफजाई करता है कि जो मैंने मुख्य प्रवाह से जुड़े, जो आज हम शहर में रहते हैं, हमें सब सुख सुविधा ये उपलब्ध होती है, पर जो ग्रामीण में जो आज बच्चे पढ़ाई से लेके हर चीज़ है जो उनके पास नहीं रहती, तो ये शिक्षा उनके जो यानी उनके ऊपर कैसा संस्कार अच्छे ला सके, शिक्षा के बारे में बच्चे कैसा पॉजिटिव रह सके, ऐसा उपाय योजना ये माउली मित्र मंडल के तरफ से करते हैं। तो मैं सुभाष जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो अथक प्रयासों के साथ हम जैसे लोगों को जोड़कर ये आदिवासी भागों में एक कार्य करने को लगाते हैं, इससे मैं उनका बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, खुद के लिए तो हर कोई जीना चाहता है, मगर दूसरे के लिए जो जीते हैं उसे पुरुषार्थ करते हैं, और यही कामकाज माउली मित्र मंडल के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। कुछ महिला भी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग क्षेत्र से आए हुए ये महिला भी बढ़ चढ़ कर इन्होंने भी हिस्सा आज के इस प्रोग्राम में लिया है। एक टीचर हमारे साथ में मौजूद, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहूँगे, कितना महत्व होता है शिक्षा के साथ साथ ऐसे सामाजिक कार्यों को लेकर? ऐसी सामाजिक कार्य को लेकर बच्चों में स्वावलंबी भूमिका आती है। वैसे भी देखा जाए तो बच्चों में पढ़ाई की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ग्रामीण एरिया में जो देखा जाए तो बच्चों को बुक्स मिलते तो किताब नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम जो है, पेन रहते तो पेंसिल नहीं रहती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बच्चों का हर दिन रहता है, क्योंकि एक मैं टीचर हूँ तो मुझे सब कुछ पता है। तो इसलिए जो माउली मित्र परिवार जो ये काम कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। इनसे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाई करने की प्रेरणा अच्छी मिलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अर्चना कोटेकर मैडम हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, ये बताइए कि आप एक बेहतरीन से एक अच्छे खिलाड़ी हो और साथ साथ ये जो सामाजिक कार्य है, आज कितनी प्रसन्नता हो रही है आज एक ग्रामीण इलाके में आके आदिवासियों के सुख दुख को अपना समझ के उनको खुशियाँ बांटी आप लोगों ने। माउली मित्र मंडल काफ़ी दिनों से यह कार्य कर रही है। ग्रामीण और शहरी वातावरण में जितना तफावत दिखता है उसको दूर करने का प्रयास माउली मित्र मंडल करती है।
मावली मित्र मंडल की ओर से हर साल हम लोग राखी का त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं, उसके साथ साथ शैक्षणिक सुविधाएं बच्चों को देने का प्रयत्न करते हैं, मेडिकल चेकअप जैसे कैंप लेकर उनकी जो आरोग्य सुविधा जो है उनको दिखा देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। क्या कहना है, कैसा महसूस कर रही हो आप? मावली मित्र मंडल की ओर से आज हम लोगों ने जो बच्चों को खिलौने दिए, बच्चों स्टूडेंट्स को रजिस्टर दिए, वो देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उनको वो बहुत प्रसन्न हुए, उनकी प्रसन्नता देख के हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद। मावली मित्र मंडल की तरफ से जो कार्य हम लोगों ने किया है वो बहुत सराहनीय है और हम हमेशा ये ऐसा ही करते रहें, और ये वहाँ के लोगों को इतना खुश देख के, उन बच्चों को इतना खुश देख के हम लोगों को इतना खुशी मिली है, हम लोग बता नहीं सकते। ये बहुत बड़ा काम है हम लोग। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो उनके जो हम लोग कार्य करते हैं और जो जो चीज़ें अगर बांटते हैं उनसे और उनके चेहरे पर जो खुशी मिलती है वही देखकर इतना सेटिस्फेक्शन होता है कि बहुत समाधान लगता है। मी माऊली मित्र म्हणणं आम्ही म्हणजे हे 6 वर्षापासून खरे साहेब आणि एक सराफ साहेब म्हणून आहेत, ते आज का कुठल्या कारणाने येऊ शकले नाहीत, तर हे त्यांनी स्टार्ट केलेलं आहे आणि ही खूप छान मानवसेवा आहे। आणि जेव्हा मला असं वाटलं की इतकी छान हे मानवसेवा करतात, आपण पण याला थोडा खारीचा वाटा घ्यावा, तर आज आम्ही ज्या गावाला गेलो होतो, एक अंबोरा आणि एक डीप इंटिग्रस जे गाव होतं, की आम्ही काय करतो आहे की ज्या ज्या गावांना कुठल्या गोष्टीची गरज आहे ती आम्ही नीड पहिले बघतो, ती त्यांना त्या डीप इंटिग्रसमध्ये कुठे काय गोष्टी पोचत नाही त्या आमचा मावली ग्रुप पोचवण्याचा प्रयत्न करतात। आणि आजही आम्ही सुंदर प्रोग्राम केला, मुंडे साहेबांनी आमच्या आगमनाला जे छान स्वागत केलं, खूपच सुंदर योग्य स्वागत होतं आणि गावामध्ये छान रांगोळ्या आणि या सगळ्या काढून सुंदर स्वागत झालं। आम्ही त्या तिथल्यांना ज्यांच्या ज्या ज्या नीड्स होत्या, महिलांना साड्या, लहान मुलांना कपडे आणि वृद्धांना धोतर टोपी आणि गांधी टोपी आणि वृद्ध महिलांना लुगडे अशा प्रकारचं आणि शैक्षणिक सामान, लहान मुलांना खाऊ, या सगळ्या गोष्टी आम्ही तिथून करून आलो। आज आम्ही मुंडे साहेबांच्या इथे पोलीस स्टेशनला आलो आणि तिथे छान त्यांनी पण आम्हाला पूर्ण केळीच्या पानांमध्ये छान जेवण दिलं, इतकं सुंदर, खूप खूप धन्यवाद तुमचा। तो देखा कि अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो यकीनन हमारी भी एंट्री अच्छी होती है। कहने का तात्पर्य है कि हमने जब अच्छा काम करेंगे तो हमें उसके रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। और इसी प्रकार का ये जो मावली मित्र मंडल के तमाम महिला और पुरुष जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने जो कामकाज किया, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक भावना जिसको कहते हैं वो ध्यान में रखते हुए किशोरी पुलिस थाने के पुलिस उपनिरीक्षक बाबू मुंडे जी, इन्होंने भी अपना दायित्व पूरा किया। इस समय में वे मौजूद है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताएं कि भाई दूज को लेकर जिस प्रकार से मावली मित्र मंडल के तमाम महिलाओं ने जो तिलक किया है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? जय हिंद। आपका पहले मैं अपने तरफ से और हमारे गोंदिया जिला पुलिस की दल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जो हमारे एसपी साहब है श्री पानसरे साहब, एडिशनल एसपी साहब कुलकर्णी साहब, इनकी संकल्पना थी कि इस दिवाली अपने को गरीबों के यहाँ दिया जलाना है। इसी के चलते हमारे श्री उप विभागीय पुलिस अधिकारी श्री नालकुर साहब के मार्गदर्शन में यह प्रोग्राम आज का आयोजन किया था। मैं मावली सेवा मंडल का केशोरी थाने की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो यहाँ की प्रथा है अपनी भाऊबीज के दौरान तिलक करने की, यह प्रथा इन महिलाओं ने हमारे बहुत अच्छी तरह से की है, हमारा स्वागत किया आपका, उनके लिए भी मैं केशोरी थाने की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। तो आप थे पुलिस उपनिरीक्षक मुंडे, जिन्होंने बखूबी बेबाकी के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से दीपावली के इस त्यौहार में जो भाई दूज का प्रोग्राम है वो महिलाओं ने किस तरह से सेलिब्रेट किया है और उसको कैसे मनाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भी दीपावली के दिन अपने बाजू वाले के घर में, कहीं भी जहाँ जिस घर में अंधेरा हो तो वहाँ पे अंधेरा को उजाले में परिवर्तित करें, एक दिया जरूर लगाएं। और मैं पुलिस, खास तौर पे किशोरी पुलिस थाने के तमाम उन पुलिस जाबाज पुलिस कर्मियों के लिए और मावली मित्र मंडल के उन तमाम महिला पुरुष कार्यकर्ताओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि हिमालय की है पुकार, बहादुरो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो। अंबोरी पुलिस थाने से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।